17 जनवरी 1942 को केंटकी के ल्यूइसविला में जन्म हुआ कैसियस मार्सेलस क्ले जूनियर का। ये छोटा सा बच्चा जब 12 साल का हुआ तो एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ कोलंबिया ऑडिटोरियम में द ल्यूइसविला होम शो देखने गया, जहां विजिटर्स को फ्री हॉट डॉग्स और पॉपकॉर्न्स मिल रहे थे। मूवी खत्म होने के बाद जब कैसियस और उसके दोस्तों ने घर जाने की तैयारी की तो उन्हें पता चला कि कैसियस की साइकिल गुम हो चुकी थी। इस पर कैसियस काफी नाराज हुआ और रिपोर्ट फाइल करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस ऑफिसर से शिकायत करते वक्त कैसियस ने यह भी कहा कि अगर वह चोर उनके हाथ लग जाए तो वह उसकी पिटाई कर देंगे। पुलिस ऑफिसर जॉय मार्टिन कोलंबिया जिम के बॉक्सिंग कोच भी थे। जब उन्होंने छोटे से बच्चे के अंदर इतना गुस्सा देखा तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस गुस्से को सही जगह लगाया जाए, तो उन्होंने उसे जिम आकर ट्रेनिंग करने का मौका दिया। हफ्ते के 6 दिन जॉय मार्टिन की जिम में ट्रेनिंग हुआ करती। हर सुबह कैसियस जल्दी उठकर दौड़ लगाता ताकि वह फिट रह सके। एक 12 साल के बच्चे के लिए इतना डेडिकेशन और सेल्फ डिसिप्लिन अनबिलीवेबल था। दोस्तों, जल्दी कैसियस की मुलाकात चक बोडक से हुई और जब कैसियस ने चक से ट्रेनिंग लेना शुरू किया और चक के अंडर ट्रेनिंग पीरियड में कैसियस ने 2 नेशनल गोल्ड ग्लोब्स टाइटल जीते और इसके बाद 1960 के समर ओलंपिक्स में सिर्फ 18 साल की उम्र में लाइट हैवीवेट गोल्ड मेडल जीता। कैसियस का बॉक्सिंग स्टाइल दूसरों से काफी अलग था। कैसियस कभी भी अपने हाथों से अपने चेहरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं किया करते, ना ही उनके ऊपर किए गए पंचेस से बचने की कोशिश करते। इसके उल्टा उनके रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा क्विक हुआ करते थे। वह बस हल्का सा पीछे झुकते और अचानक से अगला पंच अपने ओपोनेंट के मुंह पर मारते। कैसियस अक्टूबर 1960 में एक प्रोफेशनल बॉक्सर बने और उन्होंने अपना डेब्यू किया 29 अक्टूबर 1960 में। अपने डिब्यूट से लेकर साल 1967 तक वह एक भी मैच नहीं हारे। 25 फरवरी 1964 में उन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीता, तो उस समय वह इस खिताब को पाने वाले सबसे कम उम्र के नौजवान थे। चैंपियनशिप जीतने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर कैसियस से मोहम्मद अली रख लिया। जी हाँ, वही मोहम्मद अली जिनकी बॉक्सिंग की कहानियां हमने कहीं न कहीं जरूर सुनी होंगी। 1967 में उन्होंने वियतनाम से हो रही अमेरिका की जंग में यूएस आर्मी में सर्विस देने से मना कर दिया। इसकी वजह से काफी हल्ला भी हुआ और उन्हें हैवीवेट टाइटल से डिस्क्वालिफाई कर दिया गया और उनका बॉक्सिंग लाइसेंस भी ले लिया गया। इसका मतलब यह था कि वह अब अमेरिका में होने वाले किसी भी बॉक्सिंग मैच का हिस्सा नहीं बन सकते थे। साथ ही मोहम्मद अली को 5 साल तक जेल में भी बिताने की सजा मिली और इसका मतलब था कि उनका बॉक्सिंग करियर लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन मोहम्मद अली इस फैसले के खिलाफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। हालांकि वह केस लड़ते लड़ते और उनके पक्ष में फैसला आते आते 3.5 साल लग गए। जब दोबारा अली बॉक्सिंग रिंग में आए तो वह अपनी बॉक्सिंग करियर के पीक ईयर्स यानी सबसे अहम साल खो चुके थे। लेकिन वापस लौटने पर उन्होंने अक्टूबर 1970 में जेरी क्वेरी के खिलाफ लड़ाई में 3 राउंड जीते, लेकिन अब बॉक्सिंग रिंग में उनमें न पहले जैसी एनर्जी थी और ना ही स्पीड। इसके अलावा उन्होंने द फाइट ऑफ सेंचुरी में जॉय फ्रेजर के खिलाफ हैवीवेट टाइटल के लिए मैच किया। हालांकि वो इसमें हार गए, लेकिन यह उनकी पहली प्रोफेशनल हार थी। लेकिन 1974 में मोहम्मद अली एक बार फिर बॉक्सिंग रिंग में उतरे और जॉय फ्रेजर को हरा कर ही दम लिया। अब उन्होंने हैवीवेट टाइटल होल्डर जॉर्ज फॉरमैन को 1974 में चैलेंज किया। उस समय अली की उम्र 32 साल की थी। कईयों को लगा कि शायद अली फॉरमैन के हैवी पंचेस का सामना नहीं कर सकेंगे, लेकिन अली ने वह मैच जीतकर सबको गलत साबित किया और अपना हैवीवेट टाइटल वापस लिया। अली की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती गई। जब भी उनका कोई मैच होता, बड़ी तादाद में ऑडियंस मैच को देखने जाया करती। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब मोहम्मद अली लियोन स्पिंक नाम के एक न्यू कमर से हार गए, लेकिन इसके बाद हुए रीमैच में उन्होंने फिर से अपना हैवीवेट टाइटल जीता। सालों से बॉक्सिंग कर रहे अली को कई बार ऐसी चोटें भी लगी थी जो उन्हें उस समय नजर नहीं आई, लेकिन लाइफ में आगे जाकर उन चोटों ने एक भयानक रूप ले लिया। 1984 में उन्हें पता चला कि उन्हें पार्किंसन सिंड्रोम है। हालांकि अली 20th सेंचुरी की सबसे जानी मानी हस्ती थे। अच्छा दोस्तों, मोहम्मद अली की ये बायोग्राफी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।